भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट तथा विकास भवन सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब द्वारा तैयार भारतीय संविधान का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। हमें उनकी समता, समानता और न्याय की भावना पूरे संविधान में परिलक्षित होती है। उनके द्वारा दिए गए संविधान के आदर्शों पर चलकर देश ने विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त विकास किया और वंचित, शोषित, पीड़ित एवं गरीब व्यक्तियों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विषमता से निकालकर गरिमापूर्ण जीवन प्रदान किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त करके अन्याय, अभाव और अज्ञानता को दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया है, क्योंकि उन्होंने भी विषम परिस्थितियों में ज्ञान प्राप्त कर समर्थ बनने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अभाव एवं कठिनाइयों के बीच सफलता प्राप्त की थी, इसलिए उन्होंने भारतीय समाज की कुरीतियों एवं समस्याओं को समझकर उसके निदान का रास्ता भी निकाला। भारतीय संविधान में उन्होंने जहां एक ओर अधिकारों की चर्चा की, वहीं दूसरी ओर नागरिकों के कर्तव्य को भी जोड़ा है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक प्रेरित होकर देश और समाज की सेवा कर सके। गोष्ठी को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी कमलेश चंद ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से एक नागरिक को समानता और न्याय का अवसर प्रदान किया है। गोष्ठी को उप जिलाधिकारी गिरीश कुमार झा तथा मोहन प्रकाश ने भी संबोधित किया। गोष्ठी का संचालन अशोक मिश्र ने किया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों के सहायक तथा सूर्य लाल नाजर मुश्तबा उपस्थित रहे। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि बाबा साहब ने विषम परिस्थितियों में जीवन यापन किया, लेकिन शिक्षा के माध्यम से उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय में उन्होंने पीएचडी की तथा आजाद देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने देश को संविधान प्रदान करके आजाद भारत के विकास की नींव रखी, जिसका पालन करके आज भी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विविधतापूर्ण धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, भाषा, बोली, जीवन शैली को देखते हुए सभी को स्वीकार होने वाला संविधान तैयार करना एक कठिन चुनौती उनके सामने थी, जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया।